आप देख सकती हैं बेस धुलने के बाद भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। सो जैसा कि आपने इंट्रो में देख लिया है कितना ज़बरदस्त जो है बेस बनी है। सो इसी बेस को हम रिक्रिएट करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप बाद में जब ये बेस बनाएं और आपका बेस ऐसा ना बने तो प्लीज़ मुझे ब्लेम मत कीजिएगा, बिकॉज आप लोग पार्ट स्किप कर देते हैं और फिर हमें ब्लेम करते हैं। तो पार्ट जो है आपने कोई भी स्किप नहीं करना, तो इंशाल्लाह आपकी बेस बहुत अच्छी बनेगी। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगी कि सब खैरियत से होंगे। सो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वाटर बेस, बेस कैसे बनाते हैं और इसको किस तरह से आपने लगाना है कि आपकी बेस जो है वो वाटर बेस बन सके। सो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। इंट्रो में तो आपने इंट्रो देख ही लिया है कितना ज़बरदस्त है। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो, बिकॉज वाटर बेस बेस बनाने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें यूज़ करना होती हैं और उसे समझना बहुत ज़रूरी है। सो वाटर बेस बेस बनाने का सबसे पहले हमें क्या प्रिकॉशंस करनी है, क्या आपने चीज़ें करनी है, सो वो बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करना है एंड देन प्राइम, एंड देन उसके बाद हमें बेस की तरफ जाना है। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या गलती करते हैं कि जब प्राइम या मॉइस्चराइज़र करते हैं तो वो आप कोई भी उसे थोड़ा सा टाइम नहीं देते, थोड़ा भी सेटल होने के लिए कि वो थोड़ा आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो, ऐसा नहीं करते। आप फटाफट लगाते हैं, जैसे मेकअप आर्टिस्ट को या वीडियोज़ में देखते हैं वैसे करना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। आप लोग थोड़ी सी कॉमन सेंस के साथ अगर देखें तो कोई भी चीज़ लगाने के लिए आपको उसे टाइम देना होता है ताकि वो सेटल हो सके। तो उसे सेटल करने के लिए हमें जब भी मॉइस्चराइज़र या प्राइमर लगाना है उसे 2 से 3 मिनट देने ही देने हैं, ताकि वो अच्छे से आपकी स्किन में अब्जर्व हो और जब आप बेस बनाएं तो बहुत अच्छी बेस बने। अच्छा जी, जब हम वाटर बेस बेस बनाते हैं तो उसके लिए ऐसा होता है कि कभी कभी मेकअप ना पुरपुरी के पिपिंग की शक्ल में उतरना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि हम रेस कर रहे होते हैं और रेस से वो वाइट वाइट जो निकलता है, इस तरह से हमारा मेकअप जो है उतरना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अच्छे से या तो प्राइम नहीं कर रहे होते या तो अच्छे से हम उसे मॉइस्चराइज नहीं करते। मतलब कि हमने मॉइस्चराइज़र लगाया फटाफट, अगर थोड़ा सा लगाना है तो हम इतना ज़्यादा लगा देते हैं और अगर ज़्यादा लगाना है तो कम लगा देते हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन हम क्रिएट कर देते हैं, और दूसरा लगाते साथ ही फटाफट ऊपर बेस लगाती, तो इससे आपका मेकअप फुली फुली फ्लॉप हो जाएगा, फुली ख़राब हो जाएगा। तो आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। सो ये थी कुछ मिथ्स और कुछ टिप्स जो आपको मैंने बताना ज़रूरी समझा, और होप्स हो कि आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। सो अब हम अपनी बेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। सो मैंने मॉइस्चराइज़र और प्राइमर जो है पहले कर लिया, क्योंकि अभी मैं प्राइमर या मॉइस्चराइज़र लगाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और हमारी वो बेस नहीं बनती जो हम अचीव करना चाह रहे थे। सो प्राइमर और बेस जो है वो मैंने लगा ली, सॉरी मॉइस्चराइज़र जो है वो मैंने लगा लिया है। सो अब हम लगाएंगे बेस। सो यहाँ पे मेरे पास है जी मिस रोज़ की फाउंडेशन, जो कि मैं एज़ यूजुअल पहले भी यूज़ करती हूँ। सो इसको आपने इस तरह से लेना है, लाइक अगर आप लाइट कवरेज चाहते हैं या डार्क कवरेज चाहते हैं, इट्स अप टू यू। सो आपने उसी हिसाब से इसको लगा लेना है। देन इसको लगाने के बाद आप लेंगे एक पफ और उस पफ की मदद से आपने इसे सेटल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मेरी जो फाउंडेशन है वो अच्छे से सेटल हो गई है। अब हमने इसे थोड़ा सा टाइम देना है, एंड उससे उसी के साथ मैं ना इस पर अभी कंसीलर लगा लेती हूँ, बिकॉज मुझे कंसीलर की ज़रूरत है। मैंने, अगर आप मेरे पहले पिछले मतलब के रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि स्टिक कंसीलर कब लगाना चाहिए और लिक्विड कंसीलर कब लगाना चाहिए। सो लिक्विड कंसीलर का कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आप उसे कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे, लेकिन जो है स्टिक कंसीलर वो अगर आप बेस के बाद लगाएं तो वो ज़्यादा इजी लगता है, और अगर लिक्विड है तो आप वो पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। सो अब मैं कंसीलर लगाऊंगी डार्क सर्कल्स वगैरह पे और पिगमेंटेशन वगैरह पे। सो इसी तरह आपने पफ के साथ इसे भी सेटल कर लेना डैब डैब करके। सो इस तरह से हमारा कंसीलर भी है जो वो बहुत अच्छे से लग गया है, बिकॉज हमने फाउंडेशन के बाद लगाया था, लिक्विड फाउंडेशन थी। तो अब हमने इसी लिक्विड फाउंडेशन को जो है वाटर प्रूफ बेस बनाना है। सो उसके लिए उसके बाद कंसीलर के बाद अब मैं यूज़ करने वाली हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। आप कोई भी अच्छा सा कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं।
जो भी आपके पास हो। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैमरस का, ये बहुत अच्छा फाउंडेशन कॉम्पैक्ट पाउडर है। सो इसको आपने इस तरह से डैबिंग मोशन में लगाना है ताकि आपका मेकअप जो है बिल्कुल लॉक हो जाए। इसी की वजह से आपकी बेस जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। बस आपने इसे जो है बहुत अच्छे से लगाना है। सो नाउ आपकी बेस जो है वो तकरीबन ही रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बस आपने यही करना है एंड देन जी आपने एक और स्टेप करना है, लास्ट स्टेप है बेस का, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपने कोई भी मेकअप फिक्सर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मेरे पास ये फेबिलिया का मेकअप फिक्सर है, आप चाहें तो इसको इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन एक बेस्ट टिप यही है कि आप इसे अपने स्पंज पे स्प्रे करें और देन डैबिंग मोशन में इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लें। इसे आपकी बेस जो है बिल्कुल लॉक हो जाएगी, आपकी बेस काफ़ी टाइम के लिए बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस पे कोई और चीज़ लगाने की। सुनो, अब आपने बस इसे थोड़ा सा टाइम देना है, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा गीला मेरा फेस लग रहा होगा, इसे टाइम देना है। जैसे ही ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा आपकी बेस जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी एंड देन जी मैं आपको इसका फाइनल एक टेस्ट भी करके दिखाऊंगी कि आपकी बेस बिल्कुल वाटरप्रूफ हो चुकी है। इसके साथ मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ और देन आपसे शेयर करती हूँ बाकी चीज़ें। सो मैंने सोचा मेकअप भी आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ, जो भी थोड़ा सा करूँगी। मैंने ज़्यादा हाई मेकअप नहीं करना, बस नॉर्मल सा अपनी आईज़ बनाऊँगी एंड देन जी उसके बाद उसके लिए मैं यही पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इस पैलेट का ये ब्राउनिश सा कलर यूज़ करूँगी जो कि यहाँ पे है ये ब्राउन कलर, और ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ अपनी आईज़ पे। अच्छा, स्प्रे के बाद अगर हम आईज़ वगैरह या मेकअप जो भी ब्लशन वगैरह यूज़ करते हैं उससे आपका जो मेकअप है वो और ज़्यादा लॉक हो जाएगा। अगर वो वाटरप्रूफ नहीं है तो वो वाटरप्रूफ बन जाएगा। तो मैं बहुत न्यूडिश सा मेकअप कर रही हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे सिर्फ आपको बेस दिखाना है कि बेस किस तरह वाटरप्रूफ हम एज़ यूजुअल अपनी लिक्विड बेस अपनी नॉर्मल अफोर्डेबल बेस से अपना कितना अच्छा वाटरप्रूफ बेस बना सकते हैं। सो बस मुझे आपको ये दिखाना है, मेकअप का आज ट्यूटोरियल नहीं है लेकिन एज मैं अपनी लुक क्रिएट करने के लिए मेकअप कर रही हूँ। सुनाओ, इसी तरह मैं दूसरी आईज पे भी लगा लेती हूँ। सो लाइनर मैंने दोनों आईज पे लगा लिया, ये मेरे पास लोकल मार्केट से लिया हुआ 360 आवर्स का लाइनर है, नाम इसका आई डोंट नो क्या है, ये चाइनीज ब्रांड का आई थिंक। सो ये लाइनर है, ये भी वाटर प्रूफ है, ये मैंने यूज़ किया है एंड देन जी अब हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ब्लशन। तो ब्लशन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। सो अभी मैं ब्रश लाती हूँ देन फिर आपसे आपके सामने सब कुछ लगाती हूँ। लेकिन ब्लशन से पहले मैं अपनी आईब्रोज फिल करूँगी। सो आईब्रोज जो हैं फिल हो चुकी हैं, लिटिल बिट आगे करके भी लगा लेते हैं, लेकिन जो फ्रंट की होती हैं वो ज़्यादा फिल नहीं करते, फिर वो नेचुरल लुक जो है वो चला जाता है। ठीक है, सो इस तरह से आपने आईब्रोज फिल करनी है, ब्लशन लगाना है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगा सकते। सो मेरे पास ये वाले ब्लशंस हैं और इन्हीं को मैं यूज़ करूँगी, इसमें से मैं पीचिश पिंकिश दोनों मिलाकर डस्ट आउट करके फिर लूँगी। ठीक है, सो ये हो गए हमारे ब्लश एंड जी ब्लशन हमने लगा लिया है। सो अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। सो लिपस्टिक के लिए मैं जो कलर यूज़ करने वाली हूँ वो है ये पैरेट सा पिंकिश सा कलर है। सो इसी को मैं यूज़ करूँगी अपने लिप्स पे। आप देख सकते हैं लिपस्टिक जी डन हो चुकी है एंड मेरा मेकअप हो चुका है। अगर आप चाहें तो हाइलाइटर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो इट्स अप टू यू, ना लगाएं, इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो यहाँ पे मैं हाइलाइटर भी लगा लेती हूँ ताकि आपको फुली जो है ना वो दिखा सकूँ। सो या डन।
सो ये है जो मेकअप जो कि हो चुका है, एंड देन अब मैं आपसे इसका जो है टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये वाटर प्रूफ है या नहीं। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। सो नाउ मेकअप जो है वो प्रॉपरली डन हो चुका है एंड आप देख सकते हैं। सो अब हम इसी के साथ जो है अपना टेस्ट कर लेते हैं कि ये वाटर प्रूफ बेस बनी है या नहीं बनी। हमने सिर्फ बेस को देखना है, लाइनर लिपस्टिक या इन चीज़ों को नहीं देखना। मैंने आपने थंबनेल से भी देखा होगा, टाइटल से भी देखा होगा कि हमने मैंने जो है सिर्फ बेस की बात की है। सो हमने देखना है कि हमारी बेस वाटर प्रूफ है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने आप को पहले कवर कर लेती हूँ ताकि वाटर जो है मेरे पूरे मतलब कपड़े जो हैं वो गीले ना हो। सो उसके लिए मैं लूँगी टावल और इसको अपने इर्द गिर्द लपेटती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जी मैंने टॉवल जो है वो अपने इर्द गिर्द लपेट लिया है एंड नाउ अब हम लेंगे एक बॉल ताकि पानी जो है वो नीचे गिरने के बजाय इसमें गिरे, और एक ग्लास में पानी भी मैंने ले लिया। सो अब हमने अपने पानी को जो है वो फेस से गिराते हैं एंड देन देखते हैं हमारी बेस वाटर प्रूफ है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं एंड फाइनल रिज़ल्ट ज़रूर देख के जाइएगा कि क्या ये वाटर प्रूफ बेस बनी है या नहीं। अगर आप वाटर प्रूफ बेस बनाते हैं तो आपका मेकअप जो है ऑटोमेटिकली वाटर प्रूफ बन जाता है। सो ये वीडियो वाटर प्रूफ बेस एंड वाटर प्रूफ मेकअप भी है एंड आप देख सकेंगे कि मेकअप और बेस दोनों एज इट इज़ हैं, जैसे थे वैसे ही हैं। और होप्स हो कि जैसा मुझे दिख रहा है कैमरे में भी आपको इसी तरह से दिख रहा हो प्रॉपरली, लिटरली अमेजिंग माइंड ब्लोइंग। सो गर्ल्स यू कैन सी मेरा जो बेस है बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, आप देख सकती हैं हाइलाइटर बेस या कुछ भी ब्लशन तक मेरा ख़राब नहीं हुआ। मैं आपको फिंगर से टच करके दिखा देती हूँ। सो ये देखें बिल्कुल भी बेस मेरी जो है ख़राब नहीं हुई, यहाँ पे भी लिपस्टिक लगी है। खैर यहाँ से दिखाती हूँ, आप देख सकती हैं बिल्कुल भी मेरी बेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई यार, सीरियसली। एंड देन मैं आपसे इससे टिश्यू से भी करके दिखा देती हूँ। सो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बेस को एक भी ज़रा भी डिफरेंस नहीं हुआ, लिटिल बिट अगर होगा तो लिटिल बिट ही हुआ होगा, अदरवाइज मेरी बेस मेरा मेकअप जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली वैसे का वैसे ही है जैसे था, बिल्कुल भी बेस को एक ज़रा भी कुछ भी नहीं हुआ। सो आप देख सकती हैं लिटरली अमेजिंग बेस है। अगर आप इस तरह से बेस बनाएंगी कभी भी आपकी बेस ख़राब नहीं होने वाली और वाटर प्रूफ रहने वाली है। मैंने प्रॉपरली आपको कैमरे के सामने करके दिखा दिया है बेस ऐसे बनानी है आपने, और मुझे कमेंट्स में बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और गर्ल्स के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो आप देख सकती हैं बेस धुलने के बाद भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। सो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? सो या अल्हम्दुलिल्लाह बेस मेरी बिल्कुल ठीक है एंड आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।